सो गाइस, ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी फोन का जो आप क्रिस्टल माइक होता है उसको कैसे बहुत ही आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका बहुत सारे लोग जानते हैं और यूज भी करते हैं, बट जितने भी लोग अभी के डेट में हॉट एयर गन यानी कि SMD मशीन से अभी भी गर्म करके और उसको माइक चेंज करते हैं, तो उससे दिक्कत क्या होती है कि माइक बहुत टाइम होता है कि खराब हो जाता है। चाहे आप कितनी भी सावधानी से टेप लगाएं, ये करें वो करें, तो टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है और हमारा बाकी का आसपास की चीज़ों के लिए भी रिस्क रहता है, तो बहुत सारा सेफ्टी देना पड़ता है। बट अगर ये तरीका आप आजमा रहे हो ना, तो इतना यकीन मानो कि आपको कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम और एक बार में माइक 100% लगेगा। तो आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम हमेशा आपसे जुड़े रहें। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है कि अपना जो कहीं भी खुरच लेना, जैसे कि मैंने आपको खुरच के दिखाया, जहां आपको ज़्यादा गैप मिले माइक के एकदम नज़दीक, जितना नज़दीक हो सके खुरच के, और वहां पे जो उसका जो ग्राउंड होता है उसमें कॉपर दिखने लगे तो वहां पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के और सोल्डिंग में हल्का सा आप आयरन का जो रंगा होता है, जो सोल्डिंग वायर होता है, उसको लगा करके और वहां पे हीट करना है। और हीट करने के बाद से आपको पतले वाले चिमटे की मदद से इस माइक को पकड़ के रखना है और थोड़ी देर हीट करके रखना है। इसमें थोड़ा समय लगता है, बट आपको ऐसा नहीं, हड़बड़ी नहीं करना है कि जल्दी से माइक को पकड़े और गर्म हो गया है अब जल्दी से खींच के उखाड़ दें। एकदम हल्का उठाइए जितना हो सके कम, क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो पूरा उखड़ जाएगा वहाँ का प्रिंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा गलती यही लोग करते हैं। अगर बाई चांस आपसे ये गलती हो जाती है, क्योंकि अब देखिए फर्स्ट टाइम तो किसी को अंदाज़ा नहीं मिल पाता है, तो फर्स्ट टाइम अगर गलती हो जाती है तो समझ लीजिए कि लर्निंग फीस है। वहाँ से आप जैम्पर करके भी उसे ठीक कर सकते हैं, जो उसकी लाइनें गई है उसको देख के, तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आप लोग ये जब एक दो बार कर लोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना ईजी तरीके से हो जाता है। फर्स्ट टाइम में तो कभी भी किसी को दिक्कत आती है, अरे ये बेकार ट्रिक है, इसमें नहीं हो रहा ऐसा वैसा, लेकिन आप जब दो तीन बार कर लोगे तो आपको लगेगा कि बस इससे आसान ट्रिक तो कुछ है ही नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से माइक निकाल लिया। हालांकि वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है तो आपको समय थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये तरीका एकदम बेहतरीन है। और सबसे खास बात है कि इसमें एक बार में ही माइक 100% तरीके से लग जाता है। बस आपके तरीके को जो मैं बता रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिस तो नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं दिला सकता, बट जो चीज़ें हैं मेरी एक्सपीरियंस है जो बता सकता हूँ, उस चीज़ को अगर आप आजमाते हो तो आप इस माइक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा पाओगे। आपने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में देखा होगा जिसमें लोग आपको दिखाते हैं इस तरह से माइक को लगाने का, लेकिन उसमें क्या है कि शॉर्ट में फटाफट बस कर देते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है। तो आपको वो जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक PPD यूज की है। तो आपको सबसे जरूरी चीज है कि कोई भी आपका जो कॉम्बो कनेक्टर आता है या फिर कुछ भी आप जो एकदम नाजुक चीजों को बना रहे हो, तो उसमें आपको PPD रखना बहुत जरूरी है, जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री से कम हो। उस पर लिखा रहता है 195 डिग्री, 183 डिग्री, ऐसे करके लिखा रहता है। तो वो PPD आपको यूज करना है। इससे होगा क्या कि आपको सोल्डिंग से क्या होता है, कई बार मान लीजिए कि यहाँ पे आप सोल्डिंग इधर कर रहे हो तो ग्राउंड की तरफ, राउंड की तरफ, और इधर बॉल आपका पिघला ही नहीं, वो चिपका ही नहीं, बाकी तीन चिपक गए, एक बचा रह गया, तो ऐसे कंडीशन में फिर माइक काम नहीं करेगा। तो ये चीज के भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको PPD एक लेकर रखना है अपने, जहां से भी आप माल मंगाते हो, सामान मंगाते हो, वहां से एक PPD मंगा के रखो आप लोग। और वो क्या है, 200 डिग्री से कम होना चाहिए। और उसको आप क्या करो कि यहां पे पहले इसका जो पहले से लगा उसको साफ करके, और जो PPD मैंने लगाया है वो लगा लो 200 डिग्री से कम वाला। उससे होगा ये कि जब आप माइक इस पर रख के लगाओगे ना, तो आपको बहुत जल्दी ये पिघल जाएगा और अच्छे से माइक चिपक जाएगा। तो आपको एकदम ये भरोसा रहेगा कि ये जो 200 डिग्री से कम वाला है ये आसानी से पिघल जाएगा, कम गर्मी भी रहेगा तो तुरंत पिघल जाएगा और अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोई बताता नहीं है और आपको ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं आती हैं। तो अगर आप ये चीज़ों को आजमाते हो, चाहे आप चार्जिंग पिन वगैरह भी चेंज कर रहे हो, तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हो, उसमें भी ये काम करेगा। बस आपको 200 डिग्री से कम वाला आपको PPD रख लेना है एक, और हर जगह उसको अप्लाई कर देना है। खास तौर पे सिम जैक वगैरह आप चेंज कर रहे हैं जिसमें प्लास्टिक लगी होती है, फिर कनेक्टर वगैरह जो मोबाइल के अंदर जो कॉम्बो हम लगाते हैं, कनेक्टर कई बार टूट जाता है, तो उसको भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हम कॉम्बो कनेक्टर लगाते हैं और अपना रंगा वाला वायर ही यूज कर देते हैं उसमें, उसको पेस्ट लगाने के लिए, और जब हम उसको हीट देते हैं तो पता चलता है वो पिघल जाता है। तो ये गलती हम करते हैं, इसलिए पिघल जाता है। आपको 200 डिग्री से कम वाला PPD जब रखेंगे तो कभी नहीं पिघलेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे भी आप वही करते, आप वायर वाला यूज करते, तो होता है कि ये पूरा पिघलता नहीं और आपका पूरा माइक जो है वो वेस्ट जाता, और आपका ये एक दो बाल अगर बाल छूट जाता अच्छे से नहीं चिपक पाता तो फिर माइक काम भी नहीं करता। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो ध्यान देने की होती है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा इसमें पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पेस्ट भी आ जाता है तो आपको आराम से उसको पेस्ट को थोड़ा सा कपड़े से सुखा लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब मैंने पेस्ट अभी ये जो वीडियो में बना रहा हूँ, हालांकि बहुत कम समय में बन जाता और बहुत आसानी से, बट मेरे को पूरी तरह से समझाना था, अपनी पूरी बात को रखनी थी, इसलिए वीडियो को मैंने थोड़ा सा क्या किया है, लंबा किया है, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ और इस चीज़ों को बता पाऊँ।
तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगे तो आप एक दो बार ट्राई करिए। मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि आप दो तीन बार ट्राई करोगे तो ये ट्रिक जो जो मैंने बताया है आपने ध्यान से सुना होगा, तो इतना भरोसा रखिए उसको आप अप्लाई करके देखो, आपका कोई भी प्रॉब्लम जो है ये एकदम आसानी से हल कर पाओगे और एक बार इसको चेंज कर लोगे आप आसानी से सफल तरीके से। तो आप इतना यकीन मानो कि उसके बाद दोबारा आपके पास कोई माइक लेके आएगा तो आपको बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, बस यो चुटकियों में आपको बस फोन खोलने में और बंद करने में देरी लगेगी, माइक चेंज करने में नहीं, और जितना समय लगेगा हो सकता है सोल्डिंग आपका चालू करोगे तो गर्म करने में बस। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार का वीडियो अगर आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो तो आप लोग पूरा देख लेते हो, आप लोग अच्छा सपोर्ट भी बनाते हो बट लाइक करना सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो। तो बस इस छोटी सी तो मांग है आपके लिए, इतना मेहनत करता हूं, बस आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा सा ग्रो हो सके हमारा चैनल।